पास साबुन फैक्ट्री बंद करने की मांग की है। साबुन फैक्ट्री से निकलने वाली बदबू से होती है परेशानी, बदबू की वजह से बच्चों की बिगड़ रही सेहत। हीरापुर स्थित गुमा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, रायपुर से स्कूली बच्चों का प्रदर्शन, स्कूल के पास साबुन फैक्ट्री बंद करने की मांग, साबुन फैक्ट्री से निकलने वाली बदबू से होती है परेशानी, बदबू की वजह से बच्चों की बिगड़ रही सेहत। हीरापुर स्थित गुमा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बच्चों को अपनी समस्या को लेकर अब सड़कों पर आना पड़ा है, बदबू से बच्चे परेशान हैं। अंकुश हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। अंकुश, ये जो बच्चों ने आज समस्या से अवगत करवाया है प्रशासन को, कोई इसका सॉल्यूशन निकलता हुआ दिखा है क्या? देखिए, अभी तक किसी भी प्रकार का सॉल्यूशन निकलता हुआ नहीं दिखाई दिया है और यही कारण है कि बच्चों को घेराव करने पर मजबूर होना पड़ा है और प्रदर्शन करना पड़ा है। रायपुर के स्कूली बच्चों ने पूरा प्रदर्शन किया है और प्रदर्शन का कारण है कि स्कूल के पास एक साबुन की फैक्ट्री है जहां से दुर्गंध जो है वो आती है और दुर्गंध के कारण बच्चों की पढ़ाई का नुकसान होता है। इसके अलावा कई बच्चे जो है उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने फैक्ट्री का घेराव किया और फैक्ट्री को बंद कराए जाने को लेकर नारेबाजी की और उनकी कोशिश है कि किसी भी तरीके से या तो ये फैक्ट्री जो है कहीं ट्रांसफर कर दी जाए या फिर इसको यहाँ से बंद करा दिया जाए। हीरापुर के गुमा गांव का ये पूरा मामला है। फिलहाल बच्चे जो है इसी मांग पर अड़े हुए हैं कि जो साबुन फैक्ट्री है उसको स्कूल के पास से हटाया जाए। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो ये बच्चे काफी ज्यादा परेशान है जिसकी वजह से अब इन्होंने कतार